वास्तु विज्ञान को आपण मानंकु स्वागत। आज वास्तु विज्ञान चर्चा रे आसंतु आमे जानिबा के जिनिष भूल रे भी आमे घरे रखिबा उचित नुहे, कारण एही जिनिष सब गृह मध्य को नेगेटिव बा नकारात्मक एनर्जी आनी थांती। वास्तु विशारद मानंकु मत अनुसार वास्तुशास्त्र रो मूल उद्देश्य हेउछि मनुष्य जीवन रे शांति आ समृद्धि आनिबा। आपण माने विश्वास करंतु कि नाही, वास्तु विज्ञान रो मनुष्य जीवन उपरे अनेक प्रभाव रहिछि एवं आमे जदि वास्तुशास्त्र सम्मत किसी छोट छोट परिवर्तन आम घरे करी परिबा तेबे तहार खूब भल परिणाम आमको आउ आम परिवार को मिली परिबा। तेबे आसंतु जानिबा के जिनिष आमे घरे रखिबा नाही एवं काहिंकि रखिबा नाही, रखिले कि प्रकार असुविधा सृष्टि होई पारे, एहिपरि सातोटी जिनिष उपरे आमे आलोचना करिबा। जदि आपण पब्लिक अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब करिनहंती तेबे सब्सक्राइब करिनिहंती, एभली नुआ नुआ वास्तु सम्बन्धीय जरूरी विषय जानवापी। प्रथम जिनिष हेउछि कंटा जातीय गुल्म। देखा जाए अनेक लोक गृह प्रवेश द्वार सम्मुखरे विभिन्न प्रकार छोट छोट गछ लागिथिबा कुंड रखिथांति, सेतिमध्येरु किछि गछ गृह मध्यको सकारात्मक एनर्जी आनिथांति त आउ किछि गछ नकारात्मक एनर्जी आनिथांति, जहाद्वारा धनहानिर आशंका रहिथाए। एभली नकारात्मक एनर्जी साधारणतः कंटा जातीय गुल्म आनिथांति, तेणु गृहर प्रवेश द्वार निकटे केवेले काक्टस बा अन्यान्य कंटा जातीय गुल्म रखन्तु नाही। द्वितीय वस्तुटि हेउछि भंगारुजा जिनिष। कौनसी प्रकार भंगारुजा जिनिष जेमितिकि भंगा आईना, भंगा प्लेट, भंगा आसबाबपत्र घरे आदौ रखन्तु नाही। आपण कबाड़ियाकु देइपारन्ति नचेत फिंगी देइपारन्ति। एभली भंगारुजा जिनिष घरे वास्तुदोष उत्पन्न करिथांति, जहार परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मीक गृहकु आगमनरे बाधा उपजिथाए। तृतीय जिनिषटि हेउछि चालुनथिबा घड़ी बा घंटा। जदि आपणक घरे घड़ी बा घंटा अछि आउ ता चालू नै तेबे तुरंत ताकु चालिबार व्यवस्था करन्तु, कारण जदि घड़ी खराब बा चालू नथिबा अवस्था रे रखा जाए तेबे ता नकारात्मक चिंताधारा आउ नकारात्मक शक्ति घर मध्यरे संचार करिथा, तेणु चालू नथिबा घड़ी केबे भी घरे रखन्तु नै वास्तुशास्त्र अनुसार। चतुर्थ जिनिषटि हेउछि चिराफटा कपड़ा। किछि किछि लोकंक घरे पुरुणा कपड़ार पुटुळी देखिबाकु मिलिथाय, जदि आपणक घरे एभळी पुरुणा कपड़ा रहिछि तेबे ताहाकु दान करि दियंतु बा अन्य कोनोसि कार्यरे लगाइ दियंतु, कारण एभळी पुरुणा कपड़ा आपणक घर मध्यकु नकारात्मक शक्ति आनिथाय, जहाँ सहित आर्थिक समस्या व अशांति भी आनिपारे। पंचम जिनिषटि हेउछि बुढ़ियाणी जाल। किछि किछि घरे देखा जाए जे घरर तळ भाग सफा सुतरा थाए, मात्र घरर उपरि भागरे अळंदु बुढ़ियाणी बसा सबु रहिथाए। एपरि बुढ़ियाणी बसाकु वास्तुशास्त्र अनुसारे अशुभ बोली धरा जाइथाए। बुढ़ियाणी जालरे नकारात्मक शक्ति रहिथाए आउ घरकु मध्ये संचारित होइथाए। भौतिक विज्ञान अनुसारे बुढ़ियाणी जालरे अनेक प्रकार अणुजीव बा माइक्रो अर्गानिजम बास करिथांति, जहाँकि आम स्वास्थ्य प्रति हितकर नुहे। बुढ़ियाणी जाल घर भितर अशांति आनिथाए, घरर समृद्धि नष्ट करिथाए, घरर सदस्य माने ठीक भाव निज कार्यरे मनोनिवेश करि पारन्ति नाही, तेणु घरे थिबा समस्त बुढ़ियाणी जाल को सफा करि दियंतु। षष्ठ जिनिषटि हेउछि हिंस्र छवि। जदि आपण घरे किछि वॉलपेपर कि पेंटिंग रखिछन्ति जेउतिरे विभिन्न प्रकार छवि जेमितिकि युद्धर दृश्य किंबा बुड़ी जाउथिबा जहाज किंबा हिंस्र जंतुंक छवि किंबा कांदुथिबा शिशुर छवि किंबा समुद्रर झड़ एपरि आग्रेसिव बा डल छवि अछि, तेबे से सबुकु तुरंत काढ़ी दियंतु, कारण यह मानसिक अशांति भय आउ दुर्भाग्य आनिथाए। सप्तम जिनिषटि हेउछि भांगिरुजि जाइथिबा देवदेवीक फोटो बा मूर्ति। अनेक समय असावधानता हेतु पूजा समय देवदेवीक मूर्ति आंशिक भांगी जाइथाए, जेमितिकि फोटो फ्रेम रे फोटो सृष्टि हेबा किंबा मूर्तिर कण भांगिजा। यहा सत्वे किछि व्यक्ति सेभळी मूर्ति को पूर्व भळी रखिथांती आ पूजा भी करन्ति, जहाँकि वास्तु
ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଆମେ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଏହା ଘରର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଥାଏ ବିନା କାରଣରେ, ଆଉ ପରିବାରରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସବୁକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ତ ଥିଲା କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଦାପି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତେବେ ଘର ଭିତରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।